हे वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। आज जो हमारा वर्कआउट सेशन रहेगा वो रहेगा ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग का। जैसे कि मैंने आपसे कहा था अनदर वीडियो, दूसरी वीडियो में हम ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ट्रेन करेंगे। सो उसके लिए ही आज मैं अपना एक नई वीडियो लाया हूँ आपके लिए। अभी हम वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग और प्रॉपर वार्म अप करके हम अपने मसल एंड जॉइंट्स को एक्टिवेट कर लेंगे ताकि हमारी लिफ्ट जो है वो आगे अच्छे तरीके से रहें। सो नाउ वी गो टू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंबाइन एक्सरसाइज रहेगी, जिसमें कि आप हमारा जो है स्प्लिट स्क्वाट्स एंड देन हमारे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, ये दो एक्सरसाइज हम इसमें अपनी परफॉर्म करेंगे। इसमें हमारे 12 रेपिटेशन के 3 सेट्स होंगे। वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और ईच सेट्स में आप अपना जो है वेट को इंक्रीज कर सकते हैं अपने रेपिटेशन की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जितना जितना आपका मसल फेलियर हो रहा है, आप अगर 12 रेप्स इजीली अपने प्रीवियस वेट से लगा पा रहे हैं तो आप अपना वेट को इंक्रीज कर सकते हैं, स्प्लिट में भी और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में दोनों। सो नाउ ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सेट है, थर्ड सेट हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। सो नाउ वी गो टू आवर सेकेंड एक्सरसाइज, काफ रेजेस ऑन लेग प्रेस। काफ मसल्स को हम अपना लेग प्रेस पे यहाँ पे ट्रेन करेंगे, जिसमें कि हमारा जो है सिर्फ ओनली 2 सेट्स हमारे रहेंगे और दोनों सेट जो है हमारे पूरा फेलियर तक जाएंगे। यानी कि ईच सेट्स में हर एक सेट में पूरा जो है मसल को फेलियर तक ट्रेन करना है, क्योंकि काफ को मैं ज़्यादा ट्रेन नहीं करता क्योंकि इसके बाद और भी एक्सरसाइज रहेंगी हमारी, उसके अंदर भी है हमारा काफ जो है इंगेज होगी। सो नाउ दिस इज अवर सेकेंड सेट ऑफ द एक्सरसाइज, जिसमें कि हम अपना काफ मसल को प्रीवियस सेट की तरह ही पूरा फेलियर तक ट्रेन करेंगे। सो नाउ गाइज दिस इज़ आवर थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है हमारी
लेग कर्ल एंड स्टैंडिंग लेग कर्ल दोनों हमारी कंबाइन एक्सरसाइज ही रहेंगी, जैसे कि हमने पहले भी अभी परफॉर्म करी है अपनी। पहले भी हमने एक एक्सरसाइज लिया था जिसमें कि हमारा था स्प्लिट स्क्वाट एंड स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, जो हमने अपनी कंबाइन एक्सरसाइज ली थी। उसी की तरह ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जो हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए है। तो इसमें हम लेग कर्ल एंड स्टैंडिंग लेग कर्ल ये है हमारी स्टैंडिंग लेग कर्ल, जो हम अल्टरनेट लेग से हम यहाँ पे अभी लेंगे एक एक लेग से सिंगल सिंगल हम इसमें। ये भी हमारे 3 sets रहेंगे ईच 12 repetitions के अराउंड, जो आप अपना फेलियर तक इसमें अपना जा सकें। साथ साथ में गाइस डेली का वाटर इंटेक भी पूरा करते हुए, तो नाउ गाइस दिस इज अवर 3rd and last set। पर उससे पहले थोड़ा सा मसल यहाँ पे पंप फील हो रहा है और साथ साथ में थोड़ा मसल का शो ऑफ करते हुए। सो अब लेंगे वापस से हमारा ये लेग कर्ल, देन हमारा इसके बाद वही कंबाइन सेट हमारा रहेगा, कंबाइन एक्सरसाइज जो हम अभी परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम ले रहे थे अभी। हमने लेग कर्ल ले रहे हैं, देन इसके बाद स्टैंडिंग लेग कर्ल लेंगे ऑल्टरनेट लेग से सिंगल बाय सिंगल एक एक करके। देन उसके बाद हमारा हो जाएगा वर्कआउट कंप्लीट, और थोड़ा सा पोजिंग प्रैक्टिस करके। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो वीडियो का आपको बेस्ट पार्ट लगा उसको कमेंट करके जरूर बताना, और आज की वीडियो जो है वो यहीं पे खत्म होती है। तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और जिनने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब बटन को दबा दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय, टेक केयर गाइज।